रसोड़े में कौन था? सुना है? ना। नहीं सुना आपने? रसोड़े में कौन था? नहीं सुना। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? सुना था लेकिन ये नहीं पता किसने। रसोड़े में कौन था? हाय हेलो, आई एम महावीर और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। आज हम एक बार फिर आप पहुंचे हैं पब्लिक रिव्यू के लिए, और आज जो हम पब्लिक रिव्यू लेने वाले हैं, आपको पहले बता दें, आज हम देने वाले हैं पब्लिक को अच्छे अच्छे बॉलीवुड फिल्म्स के डायलॉग्स, और वो हमें बताएंगे कि ये डायलॉग्स किस फिल्म के अभिनेता के हैं और उनका नाम बताएंगे। तो फिर देर किस बात की है, तो आइए जानते हैं क्या बोलती है पब्लिक। ठीक है, कोशिश तो। आपका नाम? प्रशांत। प्रशांत, प्रशांत आपके लिए पहला डायलॉग, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। क्या बात है। रसोड़े में कौन था? गोपी की माँ। कौन है वो? और दस की माँ का नाम तो याद है। बिल्कुल नहीं भाई, वो मैं देखा करो नाटक। अच्छा, सीरियल देखता हूँ। वो सीरियल देखते हो? अरे ना, वो है साथ निभाना साथिया है सीरियल का नेम। दो क्या बात, क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। आपका? ललित कुमार। अच्छा, दोनों भाई मुझे ये बताओ, बॉलीवुड फिल्में देखते हो, पुरानी नई? हाँ दोनों देखते हैं। तब तो नहीं देखा मैंने यार, इतने बड़े हो गए फिल्में नहीं देखी तुमने? फिल्म देखने का शौक ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना कुछ डायलॉग्स दूंगा, आपको बताना है कि वो कौन से अभिनेता का है, कौन से हीरो का है। ठीक है। कितने आदमी थे? धर्मेंद्र। कितने आदमी थे? शोले पिक्चर का। शोले। हाँ। गब्बर। ये बोला भैया का फ्रेम घुमाओ, कि किसने? गब्बर ने। गब्बर ने बोला शोले फिल्म। कितने डायलॉग था? कितने आदमी थे? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और डायलॉग है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। ठीक है। अच्छा मोबाइल वगैरह चलाते हो? आजकल एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ है, रसोड़े में कौन था? सुना था लेकिन ये नहीं पता किसने बोला। अच्छा ये नहीं मालूम है, वैसे बता दें आपको। कोकिला बैंड। कोकिला बैंड। आपका नाम? मनीष। मनीष जी, हम आपको ना कुछ डायलॉग्स देंगे, उन डायलॉग्स को किसने बोला है, किस अभिनेता ने कहा है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहला डायलॉग आपके लिए है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। क्या बात है। अच्छा एक बहुत यूनिक इस समय चल रहा है, रसोड़े में कौन था? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाली बहू ऐसे कोई नाम था? नहीं सॉरी। का नाम है भैया? हमारा नाम भैया इरफान अली है। इरफान अली साहब, हम आपको कुछ पुरानी फिल्मों के डायलॉग बताएंगे, और आपको बताना है कि वो कौन अभिनेता के है। ठीक ठीक बना पक्का? ठीक है, तो हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बताएगा इसका डायलॉग है? अमिताभ बच्चन। जा मिया, कहाँ चश्मा लगा के डायलॉग नहीं बता पाए। अच्छा ठीक है, एक और गन्ना चूस के जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं। ये बात, ये बिहार के बाबू का नाम कोई ना बताए तो कैसे चले है, है ना? ये तो जरूरी है, बढ़िया मजा आ गया। ठीक है, अच्छा एक मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, है? आजकल एक डायलॉग बड़ा हिट हुआ है, रसोड़े में कौन था? सुना है? अमित। आपका? राजू। राजू, अच्छा हम ना आपसे जो डायलॉग्स पूछेंगे आपको बताना है कि वो कौन से हीरो का डायलॉग है। ठीक है, तो पहला डायलॉग है आपके लिए, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन। अच्छा ठीक है, एक और डायलॉग अभी बहुत फेमस है, रसोड़े में कौन था? सुना है? नहीं सुना आपने? रसोड़े में कौन था? नहीं सुना। अच्छा ठीक है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, अरे वाह क्या वाह। अच्छा फिल्में देखते हो मतलब, पुरानी है? ठीक है, पुरानी नहीं सब देखते हैं। सब देखते हो। अच्छा फेवरेट विलन कौन सा है? फेवरेट विलन अमरीश पुरी। अमरीश पुरी, उनका एक डायलॉग, एक डायलॉग सुना दो। मास्क हटा के, मास्क, एक डायलॉग सुना दो। मुंगेम्बो खुश हुआ। अरे वाह क्या बात है।